शहर के स्नैक कैचर राजेश राव ने ग्राम औरी से दो जहरीले सांप का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के उपरांत दोनों रेसल वाइपर को शहर से दूर सुनसान इलाके में जाकर छोड़ा गया है। शहर के स्नेक कैचर राजेश राव ने एक बार फिर से जहरीले सांप रेसल वाइपर का रेस्क्यू किया है। राजेश राव को ग्राम औरी की बाड़ी में रेसल वाइपर के होने की जानकारी मिली थी, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना राजेश राव को दी गई, जिसके बाद वे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रेसल वाइपर को बोरी में कैद कर लिया गया। बोरी में रेसल वाइपर को कैद करने के उपरांत इसे प्लास्टिक के जार में डाला गया, जिसके बाद शहर से दूर एक जंगल में इसे छोड़ दिया गया। स्नेक कैचर राजेश राव को बुलाए एक ग्रामीण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सामने अपना औरी करके जगह है, जहाँ पास एक औरी छोटा और बड़े औरी के लिए कटता है, सामने रायपुर के रास्ता कटता है। अच्छा, सामने हैचरी जाने का रास्ता है। मैं पिछले हमारे यहाँ एक साल पहले आया था प्रकाश चंद्रा कर करके, उससे मैं कॉन्टेक्ट किया कि सांप रेस्क्यू करने वाला है क्या करके, तो आपने राजेश का नंबर दिया कि ये करते पिछले समय किए थे मेरे यहाँ करके। फिर उसी टाइम मैंने इनको कॉल किया कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा है, 1 घंटे के बीच में मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया था, बताया कि मैं दूर दूर रेस्क्यू कर लूँ। उसके बाद मेरे को बोला कि वेट कीजिए सर, आप सामने स्पॉट पे रहिए नज़र गड़ा के, फिर उसके बाद मैं आता हूँ करके। फिर मेरे हिसाब से 41 मिनट में यहाँ पास पहुँच गया। अब भैया बताया इसकी रस्ता से नहीं खा करके, देखने के बाद पता चला, उससे पहले तो कोई जानकारी नहीं था मेरे को इस चीज़ के बारे में। हाँ, दो एक्चुअल में क्या, लड़के बीच में कुछ दिन पहले देखे थे कि दो नज़र आया था करके, फिर उतना माइंड नहीं किया चले जाएंगे करके, लेकिन फिर कंटिन्यू 10-15 एक से दिखना शुरू हुआ, सोचा चलो इसको बुला के रेस्क्यू ही करा लेते हैं करके। उस चीज़ के हिसाब से तो डर खत्म हो गया, क्योंकि सामने देख के तो कोई भी इंसान डरेगा उस चीज़ के लिए, सांप जैसे चीज़ है उसके लिए तो डर कम। मेरे हिसाब से तो कोई भी जीव तो जीव है, तो उसके हिसाब से सामने ये सोच के चलना चाहिए, मारना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो ऑलरेडी रेस्क्यू वाले इतने अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता, एक कॉन्टेक्ट की ज़रूरत बस रहता है, फिर वो तो बहुत दौड़े चले आते हैं। मेरे हिसाब से उनको बुलाना चाहिए, ये सबसे बेटर है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी राजेश राव द्वारा दुर्ग जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जहरीले सांपों को पकड़ा जा चुका है। सांप निकलने के उपरांत लोग राजेश राव को फोन कर मौके पर बुलाते हैं, जिसके बाद राजेश अपनी टीम के सदस्यों के साथ सांप को पकड़ते हैं। रेसल वाइपर काफी जहरीली प्रजाति का बताया गया है। इसके पकड़े जाने से किसी अनहोनी की आशंका पर विराम लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।